छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ मशाल यात्रा निकाली, जो कि भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से जयस्तंभ चौक पर खत्म हुआ, जिसका उद्देश्य हल्ला बोल आंदोलन को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित करना था, ताकि लोग एकजुटता होने के साथ आंदोलन का हिस्सा बने। इस दौरान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मशाल यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। आज आप लोग मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य? ये कल जो युवा मोर्चा की रैली होने जा रहे हैं, ये उस शुभारंभ है ये आज का, ये जो मशाल का रैली। और हम विश्वास करते हैं इस बात पर कि महिला जब आरंभ करती है तो वो अच्छी ढंग से वो कार्यक्रम होगा। सांसद सुनील सोनी भी मौजूद है, आज आप लोग मशाल यात्रा निकाल रहे हैं। जब शास्त्रों में कहा गया है किसी चीज की शुरुआत माता बहनों के माध्यम से होता है सफलता मिलेगी, आज ये आंदोलन की शुरुआत है और 2023 तक के जो है ये आंदोलन जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद हैं, आज आप लोग मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं की हक की लड़ाई लड़ते हुए सीएम हाउस के घेराव हल्ला बोल आंदोलन का आयोजन है। राज्य में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय अपने जन घोषणा पत्र में वायदा किया था कि बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आज एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रायपुर शहर में मशाल यात्रा निकाली जा रही है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज रायपुर।